जदयू के जिला महासचिव हैं, सह हिलसा नगर परिषद के वार्ड संख्या 16 के वार्ड पार्षद हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छात्रों को 20 लाख छात्रों को रोजगार देने की बात कहा है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले पब्लिक ऐप के माध्यम से नालंदा जिला के हर तमाम लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। संतोष जी, आप बड़ा बढ़िया सवाल कर दिए है। कल से ये मेरे मन में ये बात चल रही थी कि इस टाइप की बातें हमेशा हम लोगों के सामने आती है और अभी तक कोई हमारे पत्रकार बंधु क्यों नहीं लाए हमारे सामने। बड़ा खुशी मिल रहा है। आपने पूछा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कि उन्होंने जो 20 लाख रोजगार की बात की है, आप 20 लाख रोजगार की बात की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमेशा रोजगार के मामले में आगे रहे। जिन बात अलग है कि जिन लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा था वो अलग बात है, वो हर क्षेत्र में युवाओं के बारे में सोचे हैं। अब हमारे यहाँ के जो हर एक लोगों के बारे में सोचे हैं, तो यहाँ रोजगार की बात है तो रोजगार तो देते ही हैं और देंगे भी। उसके साथ साथ रोजगार सृजन करने के लिए वो कई हथकंडा वो अपना रहे हैं। वो 20 लाख क्या, शायद एक दिन आप देखेंगे कि 20 लाख भी कम पड़ जाएगा, इतना ज़्यादा रोजगार की तैयारी कर ली गई। आज बिहार शरीफ में कार्यक्रम था जहाँ आप गए थे, स्वागत समारोह। अरे भाई, अपार खुशी का दिन है आज हमारे लिए, क्योंकि नालंदा जिला में का आज जो हमारा श्रम कल्याण मैदान है वो गवाह था कि आज जिनका वहाँ पे अभिनंदन समारोह करवा किया जा रहा था, एक हमारे पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव जो हमारे पूर्व विधायक हरनौत इंजीनियर सुनील कुमार जो हम लोगों के बड़े भाई हैं, दूसरा हमारे जो माननीय मंत्री महोदय श्रवण भैया जिनका, ये दोनों का जो प्यार है वो वहाँ पे जो भीड़ था वो गवाह था कि कितना प्यार है उनके प्रति लोगों का। नालंदा जिले का हर एक गांव से कार्यकर्ता पहुँचे हुए थे, लोगों में अलग जोश दिख रहा था, इतना ज़्यादा लोगों की तैयारी थी। आज वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप यदि ये देखना चाहते हैं कि कितना उल्लास था इस स्वागत समारोह में, आप बिहार शरीफ के वो श्रम कल्याण मैदान में जो लोग गए हैं उनसे पूछें और देखें। एक बहुत बड़ी बात है कि एक कार्यकर्ता को 12 साल के बाद इतने बड़े पद पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जगह देकर सम्मानित किया है, इससे बड़ा खुशी का क्या बात हो सकता है। हर एक कार्यकर्ता अपने जोश और उल्लास के साथ वहाँ पहुँचे हुए थे, किसी को कोई पैसा नहीं दिया गया था गाड़ी लाने के लिए और भाड़ा के लिए, हर लोग अपने अपने पैसे अपने अपने खर्च से वहाँ गाड़ी कर करके पहुँचे थे। आश्रम कल्याण भवन खचाखच लोगों से भरा हुआ था।